हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। फ्रेंड्स, जो भी बच्चे ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में कि आप लोग ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि आप लोग ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो करें कैसे, क्योंकि किसी बच्चे को एग्ज़ाम मंथ सेलेक्ट करने में नहीं आता है, किसी बच्चे को एग्ज़ाम ईयर सेलेक्ट करने में नहीं आता है। तो आखिर कैसे क्या किया जाएगा, फुल प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपना ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं इस चैनल पर ट्रिपल सी की क्लासेस भी अपलोड किया करता हूँ क्वेश्चंस, और मैं आप लोग बता दूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन अपलोड किया करता हूँ। और गवर्नमेंट जॉब की कोई वैकेंसीज आ गई, कोई नोटिफिकेशन आ गया, उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया करता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया करता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप लोग ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में। गूगल क्रोम ब्राउजर में आप लोगों को टाइप करना होगा, आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं, आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर अपने टाइप कीजिएगा ट्रिपल सी। टाइप करने के बाद सर्च मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ सामने आप लोग ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है। नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा खुल के, इसको आप लोग यहाँ पर क्लिक कट कर दीजिएगा। और उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा, और यहाँ पर ओपन होने के बाद आप लोग सिंपली नीचे जाइएगा। तो नीचे जाने के बाद आप लोग देखिएगा, आप लोग यहाँ पर कहीं देखिए, जैसे यहाँ पर सेक्शन दिखा रहा है ना आप लोग को, देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रीजनल सेंटर, सर्च इंस्टीट्यूट, सर्च एप्लीकेशन नंबर, कोर्स सर्टिफिकेट, उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद से ऑनलाइन अप्लाई, ट्रिपल सी अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से ट्रेनिंग, उसके बाद से आप डाउनलोड एडमिट कार्ड, व्यू रिजल्ट, उसके बाद से अगर आप रिजल्ट पास हो गए तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूंगा एक एक करके वीडियो, कैसे रिजल्ट देखें, कैसे अपना ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो देखिए फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो ये ऑप्शन दिखा रहा है ना डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड। और इसका लिंक मैं आप लोगों को ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप लोग जाके इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पे आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग में चाहे तो अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च भी कर सकते हैं, ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड के पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के ओपन होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के ओपन होगा जो कि ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट की है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग यहीं पर देखिएगा ना, एक आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसमें आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप लोगों के सामने क्लिक कीजिएगा, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा खुल के, ठीक है, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा खुल के। मैं आप लोगों को इसमें एक थोड़ा सा जूम करके दिखा देना चाहता हूँ, देखिए हाँ ओपन हो गया। देखिए आप लोग यहाँ पे कैसे और कुछ सारा कुछ फिल करना है, देखिए यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिखा दिया डाउनलोड एडमिट कार्ड का, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डाउनलोड एडमिट कार्ड दिखा दिया ना आप लोगों को। यहाँ पे देखिए डेट दे दिया है 23 नवंबर, आज के डेट में हमने ओपन किया है। देखिए अब यहाँ से आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के लिए आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एग्जामिनेशन ईयर सेलेक्ट करना होगा, फिर एग्जामिनेशन मंथ का, जो कि एग्जामिनेशन नेम है मंथ का, वो सेलेक्ट करना होगा, फिर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, फिर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फिर कैप्चर फिल कीजिएगा, जो यहाँ पर कैप्चर दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैप्चर दिया गया उस कैप्चर को फिल कीजिएगा आप लोग, फिर फाइनली सबमिट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए चलिए मैं आप लोग एक एक फिल करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं आप लोग, देखिए चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले आप लोग एग्जामिनेशन ईयर में सेलेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन पे चूज कीजिएगा। एग्जामिनेशन ईयर का सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले आप लोग। मैं इसको थोड़ा वेबसाइट को रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, देखिए सर्वर बिजी होने के कारण थोड़ा सा साइट चलने में प्रॉब्लम करता है कभी कभी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे,
डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन पे आने के बाद से आप लोगों को सिंपली उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे आना है क्वेश्चन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ विंडो। उसके बाद से आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एग्जामिनेशन मंथ में और आप लोगों का कौन सा एग्जामिनेशन ईयर है, सॉरी एग्जामिनेशन ईयर में सेलेक्ट करना है और आपका जो भी एग्जामिनेशन ईयर होगा आपका उसको सेलेक्ट करिए। जैसे कि 2024 है, 2024 को सेलेक्ट किया। आपका कौन सा एग्जामिनेशन मंथ है, अब एग्जामिनेशन मंथ में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एग्जामिनेशन मंथ अपना हम सेलेक्ट करें। तो एग्जामिनेशन मंथ में आप लोगों को उसी को सेलेक्ट करना है कि जो बच्चे, जैसे कि आप लोग एग्जाम किस एग्ज़ाम में तैयारी देना चाहते हैं, जो कि है आप लोगों का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम से सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर एग्जामिनेशन मंथ आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो जिस मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा आप लोग उस मंथ को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे 2024, इसके बाद यहाँ पर अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग का ओपन हो जाएगा क्योंकि सर्वर पर का प्रॉब्लम होने के कारण कुछ ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अप्लीकेशन नंबर डालिएगा, उसके बाद अपना यहाँ पर तीसरा नंबर में डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो चौथे नंबर कॉलम है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आप लोगों यहाँ से वहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ से आप लोग का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो। देखिए यहाँ से कैलेंडर आ गया ना, यहाँ से आप लोग का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग यहाँ पे कैप्चर डाल दीजिएगा, जो कैप्चर दिया है 777 करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैप्चर को इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद से आप लोग सिंपली यहाँ व्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग का एडमिट कार्ड खुल गया जाएगा, और उसके नीचे आप लोग का प्रिंट का एक ऑप्शन दिया होगा, उस पर प्रिंट करके आप लोग प्रिंट करके सेव कर सकते हैं आप लोग। तो फाइनली मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि कैसे आप लोग अपना CCC का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।